गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं नवी मुंबई वाशी रघुलीला मॉल। तो आज हम ऑटो से जाएंगे, तो चलिए जाके देखते हैं। तो ऑटो मिल गया, तो मास्क लगा लेते हैं। सो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, रघुलीला मॉल जा रहा हूँ। सो देखिए, रघुलीला के पास आ चुका हूँ। ये रघुलीला मॉल है, तो चलिए अंदर जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल वाशी स्टेशन के बाहर ही है रघुलीला मॉल। सो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ा मॉल है और ये वाशी स्टेशन है जिसके बाहर ही मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे रघुलीला मॉल। तो चलिए गाइस, अंदर जाते हैं। तो हेलो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे गेट पे खड़ा हूँ, सो मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे। तो कोविड का सेकंड डोज का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सो मुझे वो देना पड़ेगा। तो मैं देख के देता हूँ, तो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, अब मुझे एंट्री मिल चुकी है। सो ये है रघुलीला मॉल, काफ़ी बड़ा है। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। हेलो भाई, कैसा है? तो यहाँ पे ज्वेलरीज भी है, कपड़े का शॉप है, बच्चों को खेलने के लिए है। ओ वाह, नारियल का झाड़ है। नहीं, नारियल का नहीं। और ये बाहर जाने के लिए गेट है, एंट्री, बाहर की एंट्री। सो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, इससे खाने पीने वाली चीज़ें। तो देख सकते हैं आप। ओ भाई, क्या गाड़ी चला रहा है। तो ये यहाँ से एंट्री है, तो बाहर जाने के लिए आगे से कह रहे हैं। सो चलिए। तो ये लेडीज़ का है पूरा। तो ये बच्चे हो गए। पेन वगैरह, डायरी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एयरपोर्ट आ गया एग्जिट।
65% ऑफर है भाई। सो गाइस हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे घूमने के लिए जाए तो फिर पूरा दिन कम पड़ जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और ये बर्तनों का शॉप में आ गए हम लोग। अरे टॉयलेट, वाह भाई गिलास। तरफ जाते हैं, सो आप गाइस देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। और ये ऊपर गोल घर बना है, थोड़ा और आगे चलते हैं और अब यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे, सीढ़ी से जाएंगे हम सीधा ऊपर। तो लगता है मूवी का शो ख़त्म हुआ है। सो दूसरे फ्लोर पे आ गए हम लोग, फर्स्ट फ्लोर पे आ गए सॉरी। तो गाइस ये है नवी मुंबई का, कह सकते हैं आप इसे कुछ भी, लेकिन बहुत बड़ा है। तो ये कपड़े का शॉप, ये भी काफ़ी बड़ा है। लेडीज और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। अरे 1200 का है यहाँ पे। ओ भाई होगा, तो चलिए अब बाहर चलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। गाइस देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे छोटे शॉप भी है बड़े भी, और इस साइड भी थे पहले, और अभी कोरोना की वजह से सब बंद हुआ रहता है, तो काफ़ी लोग नहीं है अभी, नहीं तो ये पहले बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। आज एक तो संडे है और संडे के दिन मैं यहाँ पे आया तो सोचा था कि यहाँ पे बहुत गर्दी होगी, पर ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने
सेकंड डोज ले लिए सिर्फ वही लोग हैं, और सेकंड डोज वाले यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अंदर उसी को आने दे रहे हैं जिसका सेकंड डोज हो चुका है। सो अभी चलते हैं हम ऊपर की तरफ, देखते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं आप, ये वाशी नवी मुंबई वाशी का रघुलीला मॉल है। सो मुझे लगा था कि आज संडे है तो इस वजह से बहुत भीड़ होगी, पर यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, और यहाँ पे एंट्री भी उसी मिल रही है जिसने कि डबल डोज ले लिया है। तो भीड़ को देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पे बहुत कम लोगों ने सेकंड डोज लिया है, तो शायद कुछ घर से बाहर ना आ रहे हो कोरोना की वजह से, इसीलिए कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस हम लोग ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर क्या है। सो लेट्स गो। तो गाइस चलिए ऊपर चलते हैं, अभी दूसरे माले पे। तो आप देख सकते हैं नीचे, भाई बच्चे लोग फुल मचा रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं दूसरे फ्लोर पे। तो यहाँ पे भी काफ़ी शांति है। तो इस साइड सब पार्लर वाला है। तो ये नवी मुंबई वाशी रघुलीला मॉल पे टैटू आप देख रहे हैं, ये सब खुला था जैसे बच्चों का गेम और भी काफ़ी तरह की दुकानें थी, तो सब अभी बंद है। अब इससे ऊपर बंद है, सिर्फ दो ही फ्लोर चालू है दूसरा, और कुछ पार्लर का चालू है। तो अभी हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। तो आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ ऊपर से ये नीचे का कैसे दिखता है, पानी पूरी भेल आइसक्रीम चाट वाला। अरे भाई काफ़ी कोरोना की वजह से काफ़ी सुनसान पड़ गया है ये भी रघुलीला मॉल। तो गिने चुने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा भीड़ तो बाहर सड़कों पे होती है भाई। सही में कोरोना ने तो कहर मचा के रखी है, जैसे कि इतना बड़ा मॉल है आप देख सकते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा मॉल है, और पब्लिक तो ऐसे लग रही है जैसे कि मैं बाहर सड़क पे चल रहा हूँ तो वहाँ पे इससे ज़्यादा पब्लिक होती है। तो भाई सही में कोरोना तो बहुत बड़ा कहर मचा करके रखा है। एक्चुअली मैं भी यहाँ पे कम से कम कोरोना से पहले एक बार आया था, उसके बाद मैं आ नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आके एक वीडियो बनाऊँ। तो आज यहाँ पे हालत देख के, यहाँ के हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई सही में कोरोना ने बहुत बड़ी कहर मचा के रखी है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इतनी नहीं है जितनी पहले थी। क्योंकि पहले तो ऐसे साइड से बच बच के जाना पड़ता था, इतनी पब्लिक थी यहाँ पर, मतलब एनी टाइम रहती थी पब्लिक, और ख़ास करके संडे के दिन तो भाई बहुत पब्लिक रहती थी। पर आज के टाइम पे तो पब्लिक ही नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं हर साइड खाली है,